हेलो जनता जनार्दन, हमें नल्ला फिल्म वाला और एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2 ऑफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टन मार्वल मूवी के उस रिकैप से। ये दौर है 1995 का, जब अपना निक फ्यूरी एक टॉल डार्क हैंडसम बंदा है। उसे पहली बार पता चलता है कि क्री वासियों द्वारा हरे भरे स्क्रल्स को भगा दिया गया और वो पृथ्वी पर बिना परमिशन के रेफ्यूजी बनकर रह गए हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दौर आता है 1997 की मुलाकात ग्राविक से होती है। यहाँ पे एक लेडी स्क्रल जिसका नाम है चार्लीन वुडार्ट, इसको याद रखिएगा, इसे ग्राविक के माता पिता की क्री वासियों द्वारा युद्ध में मारे जाने और ग्राविक के अकेले जहाज चुराकर अर्थ में पहुँचने की जानकारी देती है। और हालांकि इन सब के बाद इसी मीटिंग में थैलोस अपने साथी स्क्रल्स को बता रहा होता कि कैसे उसके साथी स्क्रल्स पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें कैसे पृथ्वी में बसने का मौका मिला। जिसके बाद थैलोस कहता है कि मुझे निक फ्यूरी पे भरोसा है, यह हमारी बेहतर घर की तलाश में मदद करेगा और साथ ही पृथ्वी में हमारी सेफ्टी एज अ रेफ्यूजी बसने में हेल्प करेगा। तब निक फ्यूरी कहता है कि मैंने आपसे आपकी सुरक्षा का वादा किया है और एक वादा आपसे भी चाहता हूँ, जब तक आप मेरे लिए काम और इंसानों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे आपका ख्याल रखा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर एपिसोड 1 में हुए मास्को के विस्फोट को दिखाया जाता है। विस्फोट की अफरा तफरी में रशियन पुलिस एक सस्पेक्ट को पकड़ लेती है जो मैं अमेरिकन हूँ चिल्ला रहा होता है, यू नो दैट, वो ऐसा क्यों कर रहा था। फिर तभी थैलोस निक फ्यूरी को पकड़ के गाड़ी में बैठा लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में वे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, तभी रशियन सोल्जर निक फ्यूरी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी थैलोस एक मस्त चैन चवीली लीडर बनके सोल्जर्स का भरोसा पा लेती है और कंपार्टमेंट को चेक होने से रोक देती है। सोल्जर के जाने के बाद अंदर बैठा निक फ्यूरी थैलोस को अपने बचपन की कहानी सुनाता है और कहता है कि बचपन में वो और उसकी माँ जब भी ट्रेन से सफ़र किया करते थे तो ब्लैक्स होने के कारण उन्हें गंदे और बदबूदार कंपार्टमेंट में सीट मिलती थी, जिससे उसका ध्यान न भटके मेरी माँ उस एक गेम खेला करती थी जिसका नाम था वो बताओ जो मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं इस बात से तात्पर्य ब्लैक पीपल वे लोग हैं लाइक स्क्रल्स, ट्रेन में हुई तकलीफ़ का तात्पर्य स्क्रल्स के सेटलमेंट में हुई तकलीफ़ों से है। खैर इन सब के बाद निक फ्यूरी थैलोस पे प्रेशर डालता है कि वह उसे सच्चाई बताए, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट तो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था। स्क्रल्स की संख्या, थैलोस बताता है कि स्क्रल्स की संख्या हजारों 2000 में नहीं बल्कि मिलियंस में हो चुकी है, जिससे निक फ्यूरी को कुछ ऐसा फील होता है। गद्दारी कर बे, करी बाइल कटोगा। वह थैलोस को गरिया कर भगा देता है। अब लंदन में मारिया हिल के फ्यूनरल में मारिया हिल की माँ एलिजाबेथ से निक फ्यूरी मिलता है। हालांकि इस मुलाकात का अभी तो कोई रोल नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में कोई ना कोई लॉजिक इससे जुड़ जाए। ओके, वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल में मॉस्को विस्फोट में पकड़ाए गए सस्पेक्ट का मैं अमेरिकन हूँ वाली बात को लेकर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स गरमा गई है, ऐसा दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल्स में यूके के पीएम पामेला और सर्जियो कैस्पिन जो कि नाटो का सेक्रेटरी जनरल है उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सब्र रखिए। अब ग्राविक एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंचता है जहां यूके की पीएम, नाटो के सेक्रेटरी जनरल और भी अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि हुए होते हैं, जहां पे नाटो का जनरल ग्राविक के ऊपर 2000 लोगों को मारने के लिए उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी एक बॉडी बिल्डर उसको मुक्का मार के उसकी बोलती बंद कर देता है, जिससे हमें ग्राविक के पावर का पता चलता है। एक्चुअली में इन सब ने मिलकर अब ग्राविक को स्क्रल्स का जनरल नियुक्त कर दिया है, जिससे अब हम ग्राविक की असली पकड़ का पता चलता है। इसके बाद ग्राविक अपने अड्डे पे पहुंचता है, वही न्यूक्लियर वाले, जहां लोग उसे अप्लॉज कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ घूम रही एमिली क्लार्क यानी कि गाया को ग्राविक द्वारा कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है। ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किस बारे में, इस बारे में वो पता करने के लिए लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल जेम्स रोड AKA वार मशीन दी एवेंजर USA का प्रतिनिधि बनकर अन्य यूरोपियन राष्ट्रों को जवाब दे रहा होता है कि USA का इसमें हाथ नहीं है, भले ही निक फ्यूरी को मास्को में देखा गया हो। खैर मेरा दिमाग तब हिल गया जब USA के सवाल करने वालों में पाकिस्तान दिखा। मार्वल का दिमाग देख रहे हो, पाकिस्तान के हालात खराब होते ही रशिया के साइड कर दिया, वाह भाई वाह। खैर इस मीटिंग के बाद जेम्स रोड को निक फ्यूरी का कॉल आता है जो उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बात कहते हैं। यू नो निक फ्यूरी इज अ जासूस, वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट से परे काम करूंगा। जेम्स रोड यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर रहने की बात करता है। खैर इनकी बनती नहीं है और जेम्स रोड निक फ्यूरी को
अमेरिका ले जाने की बात कर। और जब निक फ्यूरी अमेरिका जाने से इनकार कर देता है, जेम्स रोड उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारी पदवी मतलब सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ साला इंडिया में वैकेंसी है नहीं, अमेरिका में निकाल रहे, भगवान हो क्या रहा है। ओके, निक फ्यूरी टशन में डायलॉग मारता है, नौकरी होने पे तो शादी होती है और बेरोजगार होने पे सच्चा पार। मैं निक फ्यूरी हूँ, भले ही बाहर रहूं काम नहीं रुकेगा। अब शहर के किसी कोने में कुछ लोग इस गंजे वाले आदमी को पकड़ के उसकी इन्वेस्टिगेशन टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तू बता भाई कहाँ है तेरा बॉस। तभी वहाँ पे एक आंटी, ये सोनिया आंटी, पहुँच जाती है और कहती है हटोरे मैं बताती हूँ कैसे होता है टॉर्चर। और धांसू भाई आंटी तो धांसू निकली, आगे उसका काट दिया क्या अंगूठा, जिससे पता चलता है कि ये एक कोई इंसान नहीं स्क्रल है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गाया को अपनी जांच पड़ताल में पता चलता है कि ग्राविर कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसके स्क्रल को मजबूत मतलब सुपर स्क्रल बनाया जा सके। अब हालांकि इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां इस बंदे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, आंटी सोनिया ने तो लंबा सा इंजेक्शन इस गंजी छाप के गेंद में डाल दिया जिससे इसका मुंह बंदर की लाल पिछवाड़े जैसा बांस मारने लगा। बंदे की गेंद फटते ही सारा का सारे बात उसने उगल दिया। तभी बाहर ग्राविक और उसका फौजदार उसे वहां से छुड़ाने के लिए आ गए और शानदार एक्शन करते हुए उसे वहां से ले गए। बट ग्राविक को थोड़ा सा शक हुआ और उसने उस बंदे को जंगल में ले जाके ठोक दिया। अब हम आ गए हैं इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग एंड में, जहां दिखाया जाता है एक घर जहां हरी भरी गोभी जैसी दिखने वाली लेडी स्क्रल काट रही होती है हरा भरा खीरा, जहां पे निक फ्यूरी एक रिंग उठाता है और पहन लेता है सीरियसली और ये किसिंग करना भी शुरू कर देता है। आप सोच रहे होंगे दद्दू को यही मिली, बट आप समझे नहीं, स्क्रल रूप बदल सकते हैं। सोचो आपकी बंदी कभी अरमास बन जाए तो कभी दिशा पटानी तो कभी सेनल तो कभी कुछ, भाई लाइफ हो तो ऐसी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और लाइक तो बनता है ना बॉस, जनता जनार्दन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर।